हेलो एवरीवन, आज के इस पाठ में मैंने भक्तिन पाठ को, जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, इसे मैंने रेखा चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। भक्तिन खुद ही एक रेखा चित्र है जो महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा गया है और उनकी पुस्तक स्मृति की रेखाएं नाम की पुस्तक में संकलित है। भक्तिन छोटे कद की दुबले पतले शरीर वाली स्त्री थी। उसके होंठ पतले थे और आंखें छोटी थीं। वह अपने गले में कंठी माला पहनती थी। उसका असली नाम लक्ष्मी था, लेकिन उसने महादेवी वर्मा के घर जब वह नौकरानी बनने के लिए आई तो कहा कि उसे लक्ष्मी के नाम से नहीं पुकारा जाए। तो महादेवी वर्मा जी ने उसके गले में कंठी माला को देख करके उसका नाम भक्तिन रख लिया था। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी और सेवा धर्म में हनुमान जी से पूरा उसका मुकाबला होता था। ऐतिहासिक झूसी गांव में अहीर की इकलौती बेटी थी लक्ष्मी, और उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में ही इस कन्या का विवाह हो गया और उसके पति जो थे हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र थे। 9 वर्ष की उम्र में ही उनका गोना हो गया, यानी वहाँ ससुराल चली गई। भक्तिन की जो सौतेली माता थी, जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उन्हें समाचार भी नहीं दिया उन्होंने, और सास ने सोचा कि अगर इसे पता चलेगा तो यह रोए धोएगी, सो उसे झूठ बोल करके पीहर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से गई नहीं है, सो अपने पीहर जा कर के आ जाए। जब वह पीहर जाती है तो उसकी विमाता का कटु व्यवहार देख करके बिना पानी पिए ही वापस लौट आती है और आकर के अपने पति के सामने अपना दुख प्रकट करती है। उसकी लगातार 3 बेटियां पैदा होती हैं और सास जेठानी उसकी उपेक्षा करना शुरू कर देती हैं। सास के भी 3 बेटे थे, जेठानियों के भी पुत्र ही थे, इसलिए जेठानियां मौज करती थी, उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि लक्ष्मी की पुत्रियां गोबर उठाती, खाना बनाती, उपले बनाती। खाने के मामले में भी भेदभाव किया जाता था। जिठानियों के लड़के को दूध मलाई दिया जाता था और लक्ष्मी की लड़कियों को गुड़ और चने बाजरे की घूघरी चबानी पड़ती थी। लेकिन इन सब परिस्थितियों में उसका पति उसे सच्चे मन से प्यार करता था। पति प्रेम के आधार पर ही भक्तिन ने अपना घर कर लिया। परिवार से अलग होते समय गाय भैंस खेत खलिहान अमराई के पेड़ आदि उसे ठीक ठाक मिल गए थे। पति पत्नी दोनों मेहनती थे, इसलिए घर में संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से कर दी। दोनों छोटी लड़कियां अभी बालिका ही थी कि दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई और उस समय उसकी आयु 29 वर्ष की थी। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में उसके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसने स्पष्ट मना कर दिया और अपने केस कटवा दिए। गुरु से मंत्र लेकर कंठी पहन ली, छोटी लड़की की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद प्राप्त हुई थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी बहुत छोटी थी और फिर से संपत्ति पर लोगों की नज़र टिक गई। उसका जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतर बादशाले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने उस वर को अस्वीकार कर दिया था। दोनों माँ बेटी मिलकर के खेती करती थी। एक दिन जब भक्तिन खेत में गई हुई थी तो तीतरबाज वर ने बेटी को कोठरी में घुसकर भीतर से गेट बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत की और कुंडी खोल दी, लेकिन तीतरबाज ने झूठ बोल दिया कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर गया था। गांव में पंचायत हुई। भक्तिन ने बेटी की पिटाई का तर्क दिया, लेकिन पंच नहीं माने और दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दिया। अब माँ बेटी विवश हो गई थी और यह रिश्ता उसे स्वीकार करना पड़ा।
लेकिन यह संबंध भी ज़्यादा दिन नहीं चला और घर में गरीबी आ गई। इतनी गरीबी आ गई कि लगान देना भी संभव नहीं था। जमींदार ने भक्तिन को बुलाकर कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। इससे उसे अपमान महसूस हुआ और वह कमाई करने के लिए शहर चली आई। घुटी हुई चांद उसकी मैली धोती और गले में कंठी। जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बताया कि उसे दाल रोटी बनाना, सब्जी छोकना आदि सब काम आते हैं। नौकरी पर रहने के बाद उसने प्रातःकाल स्नान किया, लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करके पहनी और सूर्य पीपल को अर्घ्य दिया। 2 मिनट तक उसने जाप किया। चौके की सीमा बना करके उसने खाना शुरू किया। भक्तिन छुआछूत को मानने वाली थी, इसलिए लेखिका ने भी उससे समझौता कर लिया था। वह नाई के उस्तरे को भी गंगा जल से धुलवाकर ही मुंडन कराती थी और खुद का खाना बना करके अलग से रख देती थी एक आले में। भक्तिन द्वारा बनाया गया भोजन एक ग्रामीण परिवार के स्तर का ही होता था। उसने कोई सब्जी ना बनाकर केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटियां सेक सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब देखा कि कैसा खाना बनाया है तो उसने लेखिका को लाल मिर्च, अमचूर की चटनी और गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रखा, लेकिन घी गुड़ से लेखिका को अरुचि थी, इसलिए उन्होंने दाल रोटी खा करके विश्वविद्यालय की राह पकड़ी। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता के निवारण के लिए ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, लेकिन ये जो लक्ष्मी थी यानी जो भक्तिन थी उसकी सरलता से वह इतना प्रभावित हो गई थी कि उसके कारण जो असुविधा होती थी तो भी उसे हटा नहीं पाई। लक्ष्मी को भक्तिन दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की इच्छा हमेशा रखा करती थी, लेकिन खुद बदल नहीं सकती थी खुद को। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, लेकिन भक्तिन ज्यों की त्यों ग्रामीण ही बनी रही और उसने लेखिका को गांव का खाना पीना भी सिखा दिया था, लेकिन खुद ने कभी रसगुल्ला तक नहीं खाया। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसों को मटकी में छिपा करके रख देती थी और इसे वह बुरा नहीं मानती थी। वह कहती थी कि अपना ही तो घर है, जो रुपया पैसा इधर उधर पड़ा रहता है तो उसे संभाल कर रख देती हूँ। वह अपनी मालकिन को खुश करने के लिए बात बदल देती थी और हमेशा अपनी बातों को ही शास्त्र सम्मत मानती थी और इसके लिए उसके पास तर्क भी होते थे। लेखिका जब उसे सिर घुटाने से मना करती है तो उसने तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कह करके अपना कार्य शास्त्र सिद्ध बताया, यानी कि सिर मुंडाने पर तीर्थ गए जैसा ही हो जाता है। वह खुद पढ़ी लिखी भी नहीं थी और हस्ताक्षर करना भी उसे नहीं आता था, किंतु उसके पीछे एक तर्क भी था कि मालकिन दिन भर पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लग जाएगी तो घर का काम कौन करेगा। भक्तिन को इस बात का गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तिकों के जो निरीक्षण कार्य हैं यानी चेकिंग जो होती है कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, लेकिन उसने मालकिन का सहयोग किया, इस बात का उसे गर्व था। कभी वह उत्तर पुस्तिकाओं को बांध देती, कभी वह अधूरे चित्र को कोने में रख देती, कभी महादेवी वर्मा जी की रंग की प्याली को धोकर के, कभी चटाई को आंचल से झाड़ देती और अपने हर काम में वह बहुत ही तसल्ली से काम करती थी। वह सोचती थी कि यह सब काम करने की हिम्मत कोई और नहीं कर सकता। लेखिका की पुस्तक प्रकाशित होने पर वह खुश होती थी।